नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टुडेज स्टेटमेंट। प्रियंका गांधी की सक्रियता से देश भर में एक चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इस बात पर कि उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर नुकसान। हालांकि फायदे और नुकसान का आकलन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रियंका की चुनावी एंट्री बड़ी धमाकेदार रही है। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी का दर्शन और फिर संगम तट पर जाकर गंगा जल का आसमन करना लोगों को खूब भाया। सॉफ्ट हिंदुत्व की डगर पर चल रही प्रियंका गांधी ने बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के बाद कहा कि वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगती हैं। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार प्रियंका गांधी रविवार की रात ही प्रयागराज पहुँच गई थी। वो रात में अपने पुरखों के घर आनंद भवन में ठहरी। हालांकि अब यह भवन राष्ट्रीय धरोहर है। सोमवार की सुबह वो संगम के किनारे बड़े हनुमान जी का दर्शन करने गईं। यहाँ के पुजारी की माने तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य हैं जिन्होंने बड़े हनुमान जी का दर्शन किया है। इंदिरा जी स्वयं पधारी थी प्रधानमंत्री होते हुए, उसके पश्चात पहले सदस्य गांधी परिवार के जो आ जाए हैं जी। प्रियंका ने पूरे विधि विधान के साथ बड़े हनुमान जी का दर्शन किया। श्रद्धालु इन्हें लेटे हनुमान जी या फिर शहर का कोतवाल भी कहते हैं। इस दौरान प्रियंका ने बड़े सधे हुए अंदाज में कहा कि वैसे तो भगवान से वो कुछ भी नहीं मांगती, लेकिन देश के उत्थान और शांति की दुआ जरूर करेंगी। उम्मीद है मैम 3 दिन की जो आपकी यात्रा। वैसे मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ। बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के बाद प्रियंका संगम गई। वहाँ भी उन्होंने जिस तरीके से पूजा अर्चना की, उसे देखकर जरा भी नहीं लगा कि वह पहली बार गंगा की पूजा कर रही हैं। प्रियंका की यह कोशिश कितनी कामयाब होगी, हिंदू उनके अंदाज से कितने प्रभावित होंगे, इस पर चर्चा तो होती ही रहेगी। हिंदू धर्म बहुत विशाल धर्म है और इस धर्म में किसी का भी स्वागत है। जहाँ तक गंगा में जाकर के प्रियंका गांधी के द्वारा आचमन करने का सवाल है, तो गंगा सभी के लिए जीवनदायिनी है और मुसलमान लोग भी गंगा में जाकर के जो है आचमन करते हैं। आप जरा जाकर के देखें जिन ऐसे गांवों को जो गंगा के किनारे हैं और जहां मुसलमान लोग रहते हैं, उन लोगों का भी गंगा के साथ जो है कहीं ना कहीं हमेशा से जो है लगाव रहा है। तो आचमन कर लेने से हिंदुत्व की कोई छाप छोड़ देना या हिंदुत्व को प्रभावित कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक सवाल ये है कि बड़े हनुमान जी के मंदिर गई थी, तो मैंने अभी जैसा बताया कि भारत के लोग, ख़ास तौर से हिंदू धर्म के लोग, बहुत ही नम्र हैं स्वभाव से इस बात को लेकर के। अगर उनके धर्म में आकर के कोई मंदिर में जाता है या कोई गंगा का आचमन करता है या कोई किसी तरीके की पूजा पाठ कराता है, तो प्रियंका गांधी नहीं, ऐसे तो भारतवर्ष में जो है सैकड़ों उदाहरण रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे हिंदुत्व को लेकर के कोई बहुत विशेष फर्क पड़ेगा। अब ये भी अभी तक पूर्ण रूप से डिक्लेयर नहीं है कि प्रियंका गांधी अपना धर्म निभा रही हैं या अपने पति के धर्म को जो है निभा रही हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया नहीं है। तो इसलिए जहां तक हिंदुत्व को प्रभावित करने वाली बात है, तो शुरू से ही गांधी परिवार को हिंदुत्व में रखा गया है और गंगा को लेकर के और बड़े हनुमान जी को लेकर के हिंदुत्व में कोई या हिंदू लोगों में कोई भ्रम फैलेगा, ऐसी मुझे संभावना नज़र नहीं आती। चर्चा इस बात पर भी होगी कि कांग्रेस ने किस स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव मैदान में उतारा है, खासकर उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका को उत्तर प्रदेश में जो लाकर के एक भूचाल पैदा करने की कोशिश की है। अब प्रियंका वैसे तो उत्तर प्रदेश तक तो सीमित रही नहीं, प्रियंका उत्तर प्रदेश से बाहर भी जा करके जो है कांग्रेस की रैलियों को संबोधित कर रही हैं। प्रियंका कार्ड जो चला है कांग्रेस ने, अगर यही कार्ड कांग्रेस ने अब से 4 महीने 6 महीने पहले चल दिया होता, तो शायद उसका जो है कुछ प्रभाव देखने को मिलता। और अगर कोई बड़ा मिरेकल देखना चाहते हैं प्रियंका से, तो कांग्रेस पशुपक्ष स्थिति में क्यों है? अगर वो जानते हैं या वो समझ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि प्रियंका से कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है देश में, तो प्रियंका को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? अगर वो प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं प्रियंका को, तो शायद जो है थोड़ा बहुत या कुछ बड़ा प्रभाव हो सकता है देश की जनता के ऊपर। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि प्रियंका कार्ड
अब कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लोकसभा चुनाव में प्रियंका का प्रभाव पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में नुकसान किसका होगा, भाजपा का या फिर बसपा सपा और लोक दल गठबंधन का? देखिए, प्रियंका का जो प्रभाव उत्तर प्रदेश का, जहाँ तक सवाल है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी अगर स्वयं चुनाव लड़ती हैं तो जिस जगह से भी वो चुनाव लड़ती हैं, अगर वहाँ गठबंधन भी अपना कैंडिडेट खड़ा करता है तो ऐसी स्थिति में भाजपा की कैंडिडेट की विजय निश्चित नज़र आती है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की वजह से किसको नुकसान होता अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट कहीं खड़ा करता है, तो भाजपा और गठबंधन दोनों को उसका नुकसान होगा। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर ये देखा गया है, अभी भी देखा जा रहा है, कि यदि कांग्रेस और गठबंधन अलग अलग लड़ रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी के भी जो है वोटों को अपनी तरफ खींच रही है और गठबंधन के भी वोटों को अपनी तरफ से खींच रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि साहब वो केवल कांग्रेस बीजेपी को डैमेज करेगी या केवल गठबंधन को डैमेज करेगी, और उसका लाभ सीधा सीधा कांग्रेस को भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ वोट जो है वो बीजेपी के जरूर जो है तोड़ लेगी, कुछ गठबंधन के तोड़ लेगी, लेकिन उसका लाभ सीधा सीधा पूर्ण रूप से कांग्रेस को मिल जाए ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ सीटों पर वो बड़े स्तर पर भाजपा का नुकसान होगा और कुछ सीटों पर बड़े स्तर पर गठबंधन का नुकसान होगा। प्रियंका गांधी अपने 3 दिन की यात्रा में पूरे 140 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इस बीच उनके कई पड़ाव भी होंगे, हर पड़ाव पर वो लोगों से मिलेंगी और यह बताने का प्रयास करेंगी कि देश के लिए कांग्रेस की सरकार क्यों जरूरी है। इस यात्रा के पहले संबोधन में उन्होंने लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। प्रियंका गांधी की इस गंगा यात्रा के आगाज को लोगों ने देख लिया, इस पर बहस शुरू भी हो गई होगी। अंजाम की पटकथा क्या होगी वो तीसरे दिन शाम तक पता चल ही जाएगी। सब अपने अपने तरीके से नफे नुकसान की बातें भी करेंगे, लेकिन एक बात तो है कि प्रियंका के आने से कांग्रेसी उत्साहित बहुत है। अब देखना यह होगा कि इनका उत्साह कब तक कायम रहता है।